छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा जिले में सुरक्षा कर्मियों ने मुठभेड़ में दो महिला नक्सलियों को मार गिराया है। पुलिस अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि दंतेवाड़ा और सुकमा जिले के सीमावर्ती इलाके में नगरम पोरो हिरमा गांव के जंगल में सुरक्षा बलों ने दो महिला नक्सलियों को मार गिराया है। उन्होंने बताया कि अरनपुर पुलिस थाना क्षेत्र में राज्य पुलिस की इकाई जिला रिजर्व गार्ड यानी कि DRG के दल को गश्त पर रवाना किया गया था। दल जब सुबह लगभग 7:30 बजे दंतेवाड़ा सुकमा जिले के सीमावर्ती क्षेत्र नगरम पोरो हिरमा गांव के जंगल में था, तब नक्सलियों ने सुरक्षा बल पर गोलीबारी शुरू कर दी। इसके जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की और नक्सलियों को मार गिराया। IG बस्तर रेंज श्री सुंदरराज सर, DIG कमलोचन कश्यप सर, DIG CRPF विकास कटेरिया सर के मार्गदर्शन में हम लोग ऑपरेशंस मॉनसून चला रहे हैं, जिसमें कंटिन्यूसली DRG और बस्तर फाइटर का ऑपरेशन हो रहा है, जिसमें हमें 19 सितंबर में आसूचना प्राप्त हुई थी कि नहाड़ी छोटे हिडमा डुमिन पारा के बॉर्डर, जो कि दंतेवाड़ा और सुकमा का बॉर्डर है, वहाँ पर नक्सलियों की उपस्थिति की सूचना थी, जिसमें मुख्यतः दरबा डिवीजन के SZC चैतू, जगदीश DVCM, मलंगर एरिया कमेटी DVCM विमला और जिला दंतेवाड़ा के थाना अरनपुर से DRG एवं बस्तर फाइटर की संयुक्त टीम दंतेवाड़ा और सुकमा जिला के सरहदी क्षेत्र नहाड़ी छोटे हिड़मा डुंगीपारा के जंगलों में नक्सलियों की उपस्थिति की आसूचना पर विशेष अभियान पर रवाना हुई थी। अभियान के दौरान आज दिनांक 20 सितंबर को प्रातः 7:15 में कैंप नहाड़ी से लगभग 4 किलोमीटर दक्षिण दिशा में पुलिस पार्टी एवं माओवादी के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात घटनास्थल पर सर्च करने पर दो महिला माओवादियों का शव एवं दो हथियार, जिसमें एक इंसास और एक 12 बोर राइफल बरामद हुआ है। ऑपरेशन अभी भी जारी है और शेष विवरण पुलिस पार्टी वापस होने के बाद दीजिए।